टू माय यूट्यूब चैनल तेजा। देखिए पानी आ गया है, पानी आने से आ गया है। अभी जा रहे हैं अच्छे से बंद करो। हाँ तो बंद कर रहे हैं। तो मैं जा रही बर्तन धुलने। बर्तन धुलने से पहले इधर मैं चना जो होता है भूजा वाला उसको भिगो दी थी, तो उसको साफ भी कर ली हूँ। और इसका मैं चटनी भी जल्द बनाऊँगी। इधर सिंगदाना भी भूज ली हूँ, तो इतना सिंगदाना नहीं डालूँगी जितना मुझे चटनी बनाना रहेगा। इसमें लहसुन डालूँगी और हरा मिर्चा। चटनी में तो यही पड़ा, थोड़ा जीरा पीस लूंगी तो टेस्टी हो जाएगा हमारा। इतना नहीं डालोगे सिंगदाना? नहीं उतना कोई नहीं, इतना बहुत ज़्यादा चटनी हो जाएगा फिर डालेगा। फिर खा लेता उठा उठा के सिंगदाना, छिलका छिलके खाऊंगा अभी। तो इधर हम इसमें रख देते हैं और इधर तब तक बर्तन धो लेते हैं। पानी आ गया है, स्टैंड भी निकाल के रखती है। अगर आपको गाइस ये इडली का स्टैंड चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम का स्टोरी चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा इसका। हाँ लगा देंगे। देखिए मैं मंगाई हूँ, बहुत से लोग मतलब 400 500 600 का मंगवाते हैं। पूरा इतना ही मंगा के ऐसे टोप में थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर रख के ढक के बनाओ, खूब अच्छे से बन जाता है। तो जिसका जिसका कम अमाउंट रहेगा, कम पैसा रहेगा, तो वो कम पैसे में ये मंगा सकता है। हम लोग स्टोरी लगा देंगे, आप लोग चेक कर लेना। तो गाइस यहाँ पे देखिए मम्मी अपना यहाँ पे जो इसे इसको भिगो के रखी है। अब ये हो गया ना ये? हाँ रोज से इनो मंगाए थी तो लेट से इनो लेके आया है, अभी को लेके आया। अभी मैं बनाऊंगी फटाफट। पहले बर्तन धो रही है। हाँ तो सुबह का बर्तन पड़ा हुआ है, पानी आता है तभी काम करती हूँ। टाकी जब देखो बोली हूँ लगाने के लिए फोन, कुछ हाँ नहीं होता है। एक बार सीरियसली बोल देना कि हाँ टाकी लगवाओ। मन कर रहा है रूमी खाली कर दूँ। अरे रे रूमी खाली कर दूँ अब ये नहीं, त्योहार अभी है टाकी लगाने के लिए बोल रही हूँ, त्योहार बाद लगवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी दिवाली में पानी का कितना काम रहता है, पूजा पाठ का समय रहेगा तो मैं पानी का 8 बजे वेट करूंगी तब पूजा की तैयारी करूंगी। वही तो है। और इस बार दिवाली में सुन लो मम्मी, इस बार दिवाली में लेट पूजा हुआ फिर देखना। तो क्या तो मम्मी को क्या था? कैसा लेट पूजा का? अपने ज्यादा ना बाहर घूमना नहीं है, अपने घर पे रहो, अच्छे से रहो, बनाओ दिवाली इंजॉय करो। घड़ी घंटा गए कहीं, अरे बस मिलजुल के आए फिर घर करो अच्छे से सब। दिवाली में जानती हूँ शांति और पटाखी पटाखा ज्यादा ये मत करना, मजा ही क्या। तो गाइस इधर देखिए मैं थोड़े छोटे से टोप में इतनी सी पानी रख दी हूँ, और जब तक हमारा पानी गर्म होगा तब तक मैं इसमें ऑयल लगा देती हूँ। और हमने 2 प्लेट में इसमें भी लगाए हैं, और इसमें तेल लगा देती हूँ ऑयल। भाई सबको इडली बनाने आती है ये नहीं है, तो मैं अपने घर में बना रही हूँ इसलिए दिखा रही हूँ आप लोगों को। 4 है ना इसमें? हाँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए इडली तो बनाने से लमसम सबको आता ही है, तो अभी मम्मी बस इसमें तेल लगाएंगे फिर अपना ये जो नहीं ऐसे ऐसे वाला स्टैंड जल्दी कोई नहीं मंगाता है ना, तो हम बना रहे हैं ना। ये देखिए इसमें हमने इनो डाल दिया है, और इसको कलछुल लेना चाहिए था। कलछुल ले लूँ ना अभी भी? जाने जो लगा है उसको फिर सही से नहीं हुआ तो क्यों नहीं होगा, ले लो अभी फालतू में इधर उधर फैलेगा। अरे कोई बात नहीं ठीक है लगा लो फिर मिलते हैं। ऐसा देखिए इडली बन चुका है, मेरे को मम्मी देने भी लगी है। इतना इडली खाऊंगा कितना है? खाना थोड़ी नहीं बन रहा है, इडली ही खाना है। इडली खाना है बहुत छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा नहीं होना। तब भी इतना नहीं खाऊंगा। खा लो, इतना कितना है? 4 ठोए छोटा छोटा, इतनी बड़ी बड़ी इडली है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है निकाल देती हूँ। इधर मेरा चटनी भी बन गया है, देखिए चटनी हमारा कैसा। सांबर नहीं बनाती हूँ मैं। नहीं अरे एक मूवी नहीं अल्लू अर्जुन का, उसमें सांबर रहता है। जाओ इधर से निकाल दो ना मम्मी। हैं ऐसे इधर लो
ठीक है। एक मिनट एक मिनट, लो चलो तुम खाओ और टेस्ट करो। सबसे पहले मैं ही टेस्ट कर लूँ क्या? कर लो। The next day. Hey guys, ये रहा दूसरे दिन का क्लिप। आजकल हमारे वीडियो क्या है कि जैसे बेमर्जी की वीडियो में शूट करें, इधर बच्चे लोग का पेपर चल रहा है, पैड वगैरह सब बेड पे छोड़ के चल दिए हैं। मम्मी जा रहा हूँ समोसा लेके आ रहा हूँ, मम्मी जा रहा हूँ दूध लेके आ रहा हूँ, शाम का समय हो गया है, चाय बना दो। सुबह तो खाना पीना बनता है, लेकिन आजकल मैं सुबह कुछ ब्लॉग ही नहीं शूट करती हूँ, तो भी पानी आने का समय होगा तो मैं सारा इधर काम करूँगी। ये तो डेली का काम है। तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे क्या कि दीदी आपका वीडियो फेसबुक पे क्यों नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से मैं शेयर कर देना करती हूँ कि मेरा फेसबुक जो है कि लॉक्ड हो गया है, उसी के टेंशन में मैं इतना, मुझे मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। करवा चौथ का मुझे ब्लाउज इतना मिल रहा है, लेकिन मैं किसी का ब्लाउज, आया हुआ ब्लाउज मैं रिटर्न कर दे रही हूँ। और यही सब बातें हैं, जब मूड फ्रेश रहता है ना तो घर में काम करने का मन करता है। तो 5 तारीख से ही हमारा क्या है कि फेसबुक लॉक हो गया है। मेरे में न मेरा आईडी दिख रहा है, न और किसी का फेसबुक ओपन हो ही नहीं रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश किया यूट्यूब पे वीडियो देख के, आर्यन बहुत कोशिश किए, फिर भी नहीं आया है। तो मैंने किट्टो को आईडी पासवर्ड मैंने भेजा है, देखो होता है क्या होता है। दूसरा कोई देखेगा तो हमारी आईडी सारी दिख रही, लेकिन मेरे में फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है। तो आर्यन अभी गए हैं किसी काम से नीचे, आते हैं तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आप पास्ता बना रही हैं तो उसे कुकर में बॉईल कर देंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब एक सीटी में अच्छे से हो जाएगा। तो चलो आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे सजेशन दिया, और कभी नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो कुकर में बॉईल करूंगी। तो इतना ढेर सारा बर्तन फैलेगा, कुकर फैलेगा, कढ़ाई फैलेगा, फिर टोप फैलेगा, तो कुछ अपना सुविधा देखते हुए मैं काम करती हूँ। तो कल मैं बनाई थी इडली, इडली का चटनी इतना टेस्टी बना था। आज दूध लेने गया है नीचे, तो इडली का चटनी इतना टेस्टी बना था। मैं इतना दिन से इडली बना रही हूँ, चटनी बना रही थी, लेकिन कल का चटनी बहुत ही टेस्टी बना था। और कल के इडली वाले चटनी में मैंने जो मार्केट में भूजा हुआ चना मिलता है उसको लाके भिगो दी थी, फिर उसको अच्छे से पानी से धो दी थी, सिंगदाना लाके भूज दी थी, और थोड़ा सा नारियल डाली थी, जीरा डाली थी, मिर्चा लहसुन और नमक, और कड़ी पत्ता से मैंने, कड़ी पत्ता और सरसों से तड़का लगा दी थी। लेकिन सच में बता रही हूँ कल का चटनी बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो अगर से आप लोग हमारा हेल्प करना चाहते हैं, फेसबुक आईडी आप लोगों को शो कर रहा है लेकिन मेरे में फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है, मेरा तो क्या किसी का भी आईडी नहीं दिख रहा है, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हूँ। कुछ न त्यौहार में मन लग रहा है, न कहीं और मन लग रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर अपने पूनम दीदी का मदद करिए। ओके।